अभी हम लोग हैं मिल्टन कीन्स में, जो लंदन की नॉर्थ वेस्ट पे एक सिटी है। यहाँ से हम लोग ड्राइव करके जा रहे हैं पटना, लेकिन ये वो पटना नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं। ये पटना है स्कॉटलैंड में, और इसका नाम भी हमारे बिहार के पटना पे रखा गया है। क्यों रखा है, किसने रखा है, कब रखा है, सब बाद में बताएंगे। पहले सामान रखें वरना निकलने में देर हो जाएगी। बंद हो जा भाई। अरे वैसे बंद नहीं होता। अरे होता रहा है। हम लोगों के पास सामान ठीक ठाक था क्योंकि हमने 3 दिन की ट्रिप प्लान की थी। किसी तरह से सारा सामान एडजस्ट करके हम सब गाड़ी में बैठ गए थे। हमने ऐसा सोचा कि पटना देखने तो स्कॉटलैंड जा ही रहे हैं, तो क्यों नहीं आसपास थोड़ा घूम लिया जाए। इसी बहाने आपको भी आइडिया हो जाएगा कि पटना के आसपास घूमने लायक क्या क्या है। मिल्टन कीन्स से पटना की ड्राइव लगभग 6 घंटे की है, बट हम लोगों को 7 से 8 घंटे लग गए थे क्योंकि हम आराम आराम से ढाबे पे रुकते हुए आए थे। यहाँ यूके के हाईवेज पे हर 20 से 30 मिनट की दूरी पर प्रॉपर ढाबा होता है जिसको सर्विसेज कहते हैं। पेट्रोल पंप्स, रेस्टोरेंट्स, कॉफी शॉप्स, सब कुछ होता है यहाँ। थोड़ी देर सर्विसेज पे रुकने के बाद हम लोग स्कॉटलैंड के लिए रवाना हो गए थे। हम लोग का पिट स्टॉप हो चुका है और अब ड्राइविंग सीट पे आ गए हैं सैयद अशर अली। 310 मील यानी कि 500 किलोमीटर का सफर करने के बाद हम लोग मोनियेव पहुंचे। मोनियेव एक स्कॉटिश विलेज है जो पटना से लगभग 1 घंटे की दूरी पे है। हम लोगों को पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी, तो डिसीजन यही लिया गया कि रात मोनियेव में गुजारी जाए, और इसीलिए हम लोगों ने एक कॉटेज बुक कर लिया था। घर काफी बड़ा और कंफर्टेबल था। हम लोगों ने 3 बेडरूम हाउस बुक किया था और इसका कॉस्ट था 350 pounds, विच इज रफली 35,000 इंडियन रुपीज फॉर 3 nights। अगर आप कम दिन रुके या छोटा घर लें तो ऑब्वियसली ये कॉस्ट काफी कम हो जाएगा। रात कंफर्टेबली गुजारने के बाद अगले दिन हम लोग पटना के लिए निकल गए थे। हम लोग ईस्ट आयरशायर के पटना पहुंच चुके हैं और जैसे आप देख रहे हैं भेड़ बकरियां चल रही हैं, खुला आसमान है, मौसम सुहाना है। आइए और दिखाते हैं। पटना ईस्ट आयरशायर में एक गांव है जिसमें लगभग 2000 लोग रहते हैं। आज से 2200 साल पहले 1802 में विलियम फुलरटन ने इस जगह का नाम पटना रखा था। विलियम फुलरटन एक वेल्दी स्कॉटिश एस्टेट ओनर थे जिन्होंने पटना बसाया था अपने कोल माइनर्स को हाउसिंग देने के लिए, और ये नाम पटना उन्होंने बिहार के पटना के नाम पे ही रखा था। विलियम फुलरटन के फादर ब्रिटिश आर्मी में सोल्जर थे और उनकी एक पोस्टिंग पटना बिहार में भी थी। ऐसा माना जाता है कि विलियम फुलरटन का बचपन बिहार वाले पटना में गुजरा था और उसी की याद में उन्होंने अपने स्टेट का नाम पटना रखा। दोनों पटना एक दूसरे से बहुत अलग हैं, बट फिर भी कुछ सिमिलैरिटीज हैं। दोनों के पास एक स्कूल है जिसका नाम सेंट जेवियर्स है, और दोनों पटना के पास एक नदी भी है, एक के पास गंगा और दूसरे के पास डून। अपने बिहार में शायद ही किसी को पता होगा कि स्कॉटलैंड में एक पटना है, बट यहाँ सबको मालूम है कि बिहार में पटना है, और बाकायदा यहाँ स्कूलों में बच्चों को ये पढ़ाया जाता है। थोड़ी बहुत फोटोज खींचने के बाद हम लोगों को भूख लग गई और हम लोग निकल गए कोई बिहारी रेस्टोरेंट खोजने। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि कहीं पूरी, सब्जी या जलेबी मिल जाए। ऑथेंटिक बिहारी तो नहीं, बट हमें एक देसी रेस्टोरेंट मिल गया। अभी हम लोग यहीं से गुजर रहे थे तो हमको कैफे इंडिया नजर आया, तो हमने सोचा थोड़ा खाना पीना हो जाए, भूख लगी है थोड़ी सी। हम लोग एक्चुअली पटना से Bye. पूरी सब्जी की ख्वाहिश पिज्जा खाने के बाद भी बरकरार थी, तो हमने डिसाइड किया कि वापस मोनियेव जाके हम लोग कुछ जुगाड़ करेंगे। आटा है। Kind of self-raising flour used for cake. We'll make puri with it. तो इससे पूरी बन जाएगी। hmm.
अब यार कुछ तुम भी करो, क्या कर रही हो? मैं ये समेटती हूँ। समेटती हूँ। आखिरी दिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम दो चीजें करेंगे। पहले हम लोग गए एक लोकल शॉप कुछ स्कॉटिश यादें कलेक्ट करने। शॉप का नाम था द हाइव। हमने काफी टाइम वहां स्पेंड किया और दो चार चीजें खरीदी। फिर वहां से हम लोग निकले ड्यूक ऑफ बकल्यू और क्वींसबरी का कैसल देखने। इस कैसल का नाम है ड्रमलैंड रिग और 10 से 15 साल पहले तक ये रेजिडेंस की तरह इस्तेमाल होता था। कैसल और कैसल के आसपास की जगह काफ़ी खूबसूरत है, बट कैसल के इंटीरियर्स का तो कोई मुकाबला नहीं। अनफॉर्चुनेटली अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। 2003 में लियोनार्डो दा विंची की एक पेंटिंग यहां से चुरा ली गई थी, जिसकी कीमत उस वक्त 30 मिलियन पाउंड्स यानी कि 287 करोड़ रुपए थी। पेंटिंग मिल जाने के बाद उसकी कीमत 300 मिलियन पाउंड्स हो गई थी। वीडियो पे अभी देखने में शायद आपको उतना मजा ना आए, बट इन पर्सन ये कैसल देखने का मजा ही कुछ और था। अगर आप पटना आए तो यहाँ भी जरूर आइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।